नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। चुनाव आ गए हैं और इसी के साथ आपके फोन पर ऐसी खबरें भी आनी शुरू हो गई होंगी जो किसी के चरित्र का हरण करने वाली होंगी या फिर किसी को बदनाम करने वाली। अगर ऐसी खबरें आपके पास आ रही हो तो उसे आगे बढ़ाने यानी कि शेयर करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। पहले तथ्यों की जांच कर लीजिए फिर आगे बढ़ाइए, वरना आप भी जेल की सलाखों के पीछे हो सकते हैं। ना आपको हम डरा नहीं रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ लोगों को ऐसे ही एक फेक खबर को फॉरवर्ड करना महंगा पड़ गया और उन्हें जेल जाने की नौबत आ गई। सोशल मीडिया में और फेसबुक और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में एक कोई सर्वे के माध्यम से कुछ न्यूज़ निकल गया था। उसमें न्यूज़ 18 चैनल की तरफ से कोई सर्वे हुआ है ऐसी करके, उसमें कुछ कैंडिडेट्स के बारे में लिखा है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये फेक न्यूज़ सर, ये भी एक अच्छा पहले फर्स्ट टाइम हम लोग मुकदमा भी पंजीबद्ध हो गया है। और इस संबंधित सिमिलरली एक और शिकायत कल रात को भी प्राप्त हुआ है, वो भी थाना कोतवाली को मैं फॉरवर्ड किया हूँ। उस समय मैं अभी जाँच करके तत्काल उसको भी रिपोर्ट लेके। तो सुना आपने, कोई एक फेक खबर किसी शख्स ने सोशल मीडिया पर शेयर की और लोगों ने आंख मूंद कर उसे फॉरवर्ड कर दिया और नतीजा ये हुआ कि सब लपेटे में आ गए। इसलिए सावधान हो जाइए और किसी खबर को शेयर करने से पहले उसकी सतर्कता के साथ जांच कर ही उसे शेयर करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर सच बताने वाले कम और फेक बताने वाले ज्यादा मौजूद हैं। इसलिए सावधान हो जाइए और किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी सतर्कता के साथ जांच कर ही उसे शेयर करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर सच बताने वाले कम और फेक फैलाने वाले ज्यादा मौजूद हैं। अगर आप भी पुलिस के डंडे से किसी अपने को बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो उस तक भेज दीजिए ताकि वो अवेयर हो जाए और फेक खबरों को शेयर ना करे। और सच्ची और अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।